दिवाली के अवसर पर कई सारी डिशेस बनती है, तो आज हम शक्कर पारा बना रहे हैं। क्योंकि दिवाली के टाइम में समय नहीं मिलता है, तभी शक्कर पारे को बना करके कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। शक्कर पारा बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप मैदा, और जब हमने 1 कप मैदा लिया है तो हम आधा कप हम चीनी लेंगे। ये चीनी को हम पाउडर बनाएंगे। इसी के साथ हम 2 इलायची लिए, छोटी इलायची है ये, इसको मिलाकर हम पीस लेंगे। और 1/4 कप हमने सूजी लिया है, और ये 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। और ये हमने रिफाइंड लिया है, इसमें हम 4 चम्मच इसको गुथने में डालेंगे, और बाकी सब में तेल में ये फ्राई करेंगे। हमने चीनी को पीस लिया है, देखिए एकदम बारीक पाउडर हमने बनाया है। अब हम एक बर्तन में मैदा लेंगे, सूजी डालेंगे, और इसमें हम चीनी पाउडर को मिक्स करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या बेसी कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे, अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 4 चम्मच, देखिए हमारा चम्मच इतना घर में खाने यूज होने वाला चम्मच है, इससे हम 4 चम्मच रिफाइंड ले लेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, जिससे आटा थोड़ा क्रम्बल जैसा हो जाए। देखिए हमने पूरा मिक्स कर दिया है। देखिए इसको मुट्ठी बनाकर देखते हैं, देखिए मुट्ठी बन रहा है, इसका मतलब है कि इसमें मोम बराबर पड़ा है। अब इसको हम पानी से थोड़ा थोड़ा पानी दे करके टाइट डो लगा लेते हैं। टाइट रोल तैयार हो गया है, इसको 10 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, फिर हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा सेट हो गया है। इसको एक बार और हाथ से निकलेंगे। अब इसमें लोई लेंगे, थोड़ा सा हम सूखा आटा लगाएंगे इसमें। अब इसको हम मोटा बेलेंगे, ज्यादा पतला हमें नहीं बेलना है। देखिए हमें इतना थिकनेस इसका रखना है। अब इसको हम कट करेंगे, हम डायमंड शेप में इसको कट करेंगे। आप चाहें तो जो भी आपका इच्छा अनुसार कट कर सकते हैं। साइड वाला हम निकाल लेते हैं। हमने तेल चढ़ा दिया है गैस पे ताकि वो गर्म हो जाए और हम कट करके तुरंत डाल सकें। अब इसको तीछा तीछा हम काटते हैं। बर्फी के शेप में अब इसमें एक डाल करके हम चेक कर लेते हैं कि तेल गर्म हो गया है। बिल्कुल तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं। जितना एक बार में छनाएगा उतना हमको डालना है, ज्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो ठीक से ये खिलेगा नहीं, थोड़ा फूलना चाहिए, इसलिए थोड़ा जगह देख के देना है। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन होने तक। इसको एक बार हम चला लेते हैं।
गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है देखिए, अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी जो बाकी बचा हुआ है शक्कर पारे उसे भी हम तल लेंगे। मेरा शक्कर पारा बन के तैयार है, देखिए ये कितना क्रिस्पी बना है, ये पूरा खास्ता बना है ये देखिए पूरा। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है।